सीताराम। अरे ओ साधु जी सीताराम, बन जाए काम, मिल जाए आराम, खाबे में मिले बादाम। तो कितना बढ़िया बन गया। आओ बैठो भाई साहब, बैठो, बस बस बस, भगवान के पांव पड़ ले, बस बहुत है, बैठ जाए, माइक लो, माइक लो। कहाँ के हो? नागपुर। नागपुर के ही हो? ठाकुर जी के बहुत भक्त हो हैं? अच्छा, उन्हीं को सुना रहे थे तुम्हारे जी? वहां खड़े खड़े मन में बुदबुदा रहे थे कि सबकी तो सुन रहे, हमसे नाराज हो क्या ठाकुर जी? यही कह रहे थे। रेनिया तुमसे नाराज, हमारे फोन में मिस कॉल आ गई उनकी। गौड़िया संप्रदाय, मारवाड़ी। अच्छा, महामो दिखाओ। बोलो क्या अर्जी है तुम्हारी? नजदीक आओ। हाँ, अकेला पड़ जाता हूँ कभी कभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जी, हिम्मत मिलती है मगर फिर कहीं फिर तो उतना फिर जुड़ता हूँ, लेकिन रोज काय का काम मेडिकल पड़ी है। परेशान है घर में आपके उपद्रव मचता, दिमाग में विचलितता रहती, स्थिर नहीं रहता है, मन शांत होता, कृपा होगी, दवाइयों का काम तेज चलेगा, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। यही मांगने आए? कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। एक बार अपने पूर्वजों के निमित्त आप गया में पिंडदान करवा दीजिए। आप चूंकि यहाँ के निवासी नहीं है, आए हुए हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ बिजनेस पर्पस से आए हुए हैं, तो आपके पूर्वजों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वो रोड़ा बने हुए हैं मंगल काज में और आपके बिजनेस में। दवाइयों का काम बड़े स्तर पर होगा, मेडिकल आपका तेज चलेगा। आगे चल करके जो आप सेल्फिश एक साइड में बिजनेस डालना चाहते उस भी उसके खुलने के योग, और चंद्रमा आपका जो है 2023 में ही बन रहा है 11वें महीने में। स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत बन रही है अभी, तो थोड़ी सी योग विधि खूब करिएगा। योग पद्धति से जो है ये जो सिर का तड़कन है, नहीं तो ये माइग्रेन बन जाएगा, इसलिए सावधान रहिएगा, योग करिएगा। और तुलसी दल का प्रयोग जो मंत्र है, इस मंत्र चिकित्सा के साथ 40 तुलसी दल का प्रयोग करिएगा तो जो है आपके स्वास्थ्य में खूब कृपा होगी। और कवच हम धाम से दे देंगे तो खूब बढ़िया व्यापार चलेगा, मन स्थिर रहेगा, आशीर्वाद है। आ जाओ लाली। हाँ हाँ, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा जी, भगवान जय जय।